के बागी विधायकों को सद्बुद्धि मिलने की कामना शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने सीताबर्डे स्थित श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में महाआरती की। महानगर प्रमुख किशोर कुमेरिया ने कहा कि राज्य की जन समस्याओं को छोड़ बागी विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं। वे विधायक भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें विकास कार्यों के लिए चुना है। भगवान गणेश से कामना की गई है कि बागी विधायक किसी प्रलोभन के बहकावे में न रहे, वे निष्ठावान शिव सैनिक बने रहे, उन्हें सद्बुद्धि मिले। महाआरती में शिवसेना महिला अघाड़ी की कार्यकर्ता भी शामिल थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं में किशोर पराते, चंद्रहास राउत, राजेश कनौजिया, अजय दलाल, अंकुश कड़ू, हरिभाव बनाई, महेंद्र कंठाने, किशोर ठाकरे, मनोज शाहू, किशन प्रजापति, सुनील बनर्जी, महिला अघाड़ी की सुरेखा गाड़े, अलका दलाल, वैशाली उदापुरकर, माधुरी मोदिंकर, महिमा दौधारिया, रंजना राजपांडे, आनंद हरडे, समित कपाटे, स्वीटी सहगल, राजू शिर्के आदि कार्यकर्ता शामिल थे। बंडखोरांना सद्बुद्धी द्यावी आणि माननीय उद्धव साहेबांना या बंडखोरांना सरळ आणण्यासाठी शक्ती प्रदान व्हावी आणि आम्ही संपूर्ण नागपूरचे शिवसैनिक हे माननीय उद्धव साहेबांसोबत आहो। महाराष्ट्रातील गणपती हे दैवत विघ्नहर्ता म्हणून ओळखल्या जातं। शिवसेनेवर जे संकट आहे ह्या संकटापासून शिवसेना सावरावी ते दूर व्हावं आणि ज्या बंडखोरामुळे या संपूर्ण महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेंना त्रास होत आहे त्यामधून निपटारा व्हावा आणि या महाराष्ट्र राजकारण जे बिघडलेलं आहे ते सुरळीतपणे लवकरात लवकर सुरळीत व्हावं अशा प्रकारची प्रार्थना आम्ही नागपूर शहर शिवसेनेतर्फे या ठिकाणी गणेश टेकडी नागपूर येथे आरती करून या ठिकाणी आम्ही प्रार्थना केलेली आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।